नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस की एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसकी लोग जमकर आलोचना कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस के कुछ जवान हत्या के आरोपी सुशील कुमार के साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। ये फोटो जब खिंचवाया गया है जब सुशील कुमार को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। आखिर क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरों में मुस्कुराता ये वो पहलवान सुशील कुमार है जिसने कुछ दिन पहले दूसरे पहलवान को मौत के घाट उतार दिया था। सुशील कुमार के साथ नजर आ रही ये वो दिल्ली पुलिस है जिसने इसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस हत्या के आरोपी के साथ पुलिस वाले ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं जैसे ये हत्या नहीं कोई अच्छा काम कर जेल पहुँचा हो। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, एक नहीं दो नहीं बल्कि हत्यारे सुशील कुमार के साथ सेल्फी लेने के लिए पुलिस में होड़ लगी हुई है। सारे पुलिस वाले मुस्कुरा मुस्कुरा कर सेल्फी ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर पुलिस की इस करतूत की फोटो तेजी से वायरल हो रही है। सेल्फी लेने का ये वाकया उस वक्त का है जब पहलवान सागर की हत्या के आरोपी सुशील कुमार को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट करवाया जा रहा था। इस दौरान पुलिसकर्मी सुशील कुमार के साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ पड़े। संगीन आरोपों में घिरा सुशील इस वक्त मुस्कुराते नजर आ रहा था, अलग अलग पोज देते नजर आया। इस फोटो के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या उसे जेल के भीतर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन इस मामले पर दिल्ली पुलिस की ओर से कोई स्पष्टीकरण अभी तक सामने नहीं आया। दिल्ली पुलिस की ये तस्वीर विवादों से घिर गई है। लोग जमकर इस तस्वीर की आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि पुलिस का काम हत्या के आरोपी के साथ फोटो सेशन करना नहीं है, तो कुछ लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि 23 मई को गिरफ्तार किए गए सुशील कुमार की पुलिस रिमांड 2 जून को खत्म हुई थी। इसके बाद उसे मंडोली जेल में भेजा गया था। दिल्ली की कोर्ट ने सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी है। हत्या के आरोपी सुशील कुमार को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया तो कुछ पुलिस वाले उसके साथ सेल्फी लेते नजर आए। दिल्ली पुलिस की हत्यारों के साथ सेल्फी विवादों में छा गई है। लोग जमकर इस सेल्फी पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं अभी तक इस मामले पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।